हाय, आज का टॉपिक है लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास टैरो पूछने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन को क्लियर कर सकूं, या उनकी काफी बड़ी गाइडेंस कार्ड में आता है कि जो वो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए उनको अपना लेजीनेस गिव अप करना पड़ेगा। बट द फैक्ट इज, आप अपने से पूछो कि आप ट्रूली लेजी हो या आप बस डिसइंटरेस्टेड हो उन चीजों में जो आपको बहुत ही मंडेन और रेगुलर लगती है। जो चीज आपको पसंद है उसके लिए तो आप सुबह 4 बजे उठ के भी अपना फॉलो कर लेंगे रजीम, सब जो हासिल करना है वो कर ही लेंगे। लेकिन जो चीजें आपको बोरिंग लगती है, जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, उसके लिए आप आगे 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 पोस्टपोन करते चले जाते हैं। लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ वेरी लेजी पर्सन एंड आई वुड प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब आगे के आगे आई वुड जस्ट पोस्टपोन थिंग्स की हो जाएगा जब तक वो लास्ट मिनट में नहीं आता था। अब लास्ट मिनट में जब आता है, आई वॉज यूज टू वर्किंग अंडर प्रेशर। जैसे कल एग्जाम है तो मैं आज बैठूंगी उसके लिए, एंड प्रेशर में जितना पढ़ लिया एंड मार्क्स भी आ जाते थे। देन ऑब्वियसली फैमिली वुड से कि तुम लास्ट मिनट पे इतना कर सकते हो तो कंसिस्टेंटली करोगे तो कितना होगा। बट समथिंग वॉज मिसिंग, इट वॉज नॉट माई इंटरेस्टेड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। But that doesn't make me lazy. First of all, get out of that judgment that people have projected on you, that you are a lazy person. And then you buy that lie that, oh yes, I'm a lazy person, and start making that as an excuse. Stop giving yourself excuses for something that you would like to create in life. You know, so when you start doing it, you will start realizing that you're not lazy. Make it more interesting. उसी चीज को करने के fun ways ढूंढो। आप रोज दूधी की सब्जी नहीं खा सकते, आई गेट दैट, इट्स बोरिंग, राइट? उसी दूधी की सब्जी के डिफरेंट डिफरेंट पकवान कैसे बनाने हैं या कैसे उसको स्पाइस अप करना है वो सोचेंगे अगर, तो ऑब्वियसली आप लेजी नहीं रहेंगे, क्रिएटिव और इनोवेटिव बन जाएंगे। सो इट्स अ जर्नी फ्रॉम बीइंग लेजी एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग टू बीइंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव विद द वे विद द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, एंड यू विल हैव यू स्टार्ट हैविंग मोर फन विद लाइफ। दैट्स इट फॉर नाउ, बाय।